नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ में हूं अंशु। गुना चाचोड़ा थाने के अंतर्गत भानपुरा गांव में पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देकर छापेमार कार्रवाई की। इस दबिश की खास बात ये रही, खुद पुलिस कप्तान ने इस टीम का नेतृत्व किया और भानपुरा पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। इस दबिश में करीब 150 से अधिक पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान मौजूद थे। SP राजीव मिश्रा ने बताया, देसी पद्धति से चलने वाले अवैध शराब के छोटे बड़े करीब 10 कारखानों को तहस नहस किया गया। इस दौरान करीब 15 से 20 हजार लीटर अवैध शराब, 50 हजार लीटर लाहन जब्त किया गया। कार्रवाई जारी है। इस अवैध शराब के कारोबार में लिप्त सभी आरोपी फरार हैं। SP का कहना है, आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। देर शाम तक गिरफ्तारी करने का दावा भी SP ने किया। इस अवैध शराब कारोबार की लंबे समय से शिकायत पुलिस को मिल रही थी, इसी के मद्देनजर रखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई। गुना ब्यूरो चीफ राकेश किरार की रिपोर्ट। ये कार्रवाई है और आज प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है अवैध शराब के। ये भानपुरा गांव है, चाचोड़ा थाना अंतर्गत आता है जी। यहाँ इस तरह की अवैध शराब बनाने की शोहरत लंबे समय से शिकायत यहाँ प्राप्त होती रही है। पूर्व में कार्रवाइयाँ की गई हैं, पकड़ा भी गया है, परंतु पुनः वे चालू कर देते हैं जी। आज एक बड़ा अभियान चलाया गया जी, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा बहुत ज़्यादा संख्या में बल लेकर यहाँ दबिश दी गई। हमारे एडिशन साहब ने उसको लीड किया, साथ में SDOP साहिबानों पूरा बल था, SDM साहब थे, सभी अधिकारी थे, एक्साइज के भी थे जी। और यहाँ पर आके दबिश देकर ये पाया गया, 4 अलग छोटे छोटे कारखाने यहाँ संचालित होते हुए पाए गए, जिनमें की भट्टियाँ हैं। आप देख सकते हैं उन भट्टियों में पूरा वो यंत्रवत हैं, किस तरह से उसमें नीचे लहान डाला जाता है, किस तरह से उसको वाष्पीकृत किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी बूंद बूंद करके शराब बनती है, जो कि केन और उसमें इकट्ठी की जाती है। इस तरह का यह कारखाना यहाँ 4 अलग अलग स्थानों पे, एक खेत से दूसरे खेत की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है, इतनी इतनी दूरियों पर ये कारखाने पाए गए हैं। उसके साथ वहाँ पर बनी हुई शराब, लहान, अवैध लहान, उसके रॉ मटेरियल के रूप में गुड़, नौसादर इत्यादि तमाम सामग्री, लकड़ियाँ बहुतायत इस प्रकार से पाई गई हैं। करीब 50 हजार लीटर का लहान क्या जब्त हुआ है। इसके अलावा जो अवैध देशी जो बनी हुई शराब है वो करीब 17-18 हजार लीटर की है, अभी आकलन उसका चल रहा है। इसके अलावा करीब 15 से 20 क्विंटल गुड़ जो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, नौसादर पाया गया है, इन सब को जब्त किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। आरोपी चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि दूर से ही सब नज़र आ जाता है, सूचनाएं भी हो जाती हैं, वे अभी फिलहाल भाग गए, परंतु टीम हमारी उनके पीछे गई हुई है, शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आइडेंटिफाई वो हो चुके हैं और एक बड़ी कार्रवाई बड़ी मात्रा में यहाँ अवैध शराब के विरुद्ध की गई है, जो कि मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से निर्देशित है। जहरीली शराब, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना, वो यहाँ संपादित की गई है। यहाँ संयुक्त टीम के द्वारा, हमारे द्वारा, कलेक्टर साहब के निर्देशन पे सभी पूरी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ये जारी रहेगी। सर, पुलिस बल की संख्या कितनी है? जारी की। तो फिलहाल की अहम खबरों में बस इतना है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ TV खबरों की पड़ताल। नमस्कार।